आज एक कॉमन मेडिसिन नए रूब्रिक लेके डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं। एकदम सिंपल, सबको सब क्रैक कर जाएंगे, कर सकते हैं कि कॉमन मेडिसिन एकदम कॉमन मेडिसिन, लेकिन रूब्रिक थोड़ा अलग है। रूब्रिक को सही बताना है, मेडिसिन से बता सकते हैं, रूब्रिक को क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं ये केस आज डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने एक वीडियो में आपको बोले थे जो अब जब शुरू करते हैं पेशेंट से, शुरू में पेशेंट वो बता देते हैं कौन सा मेडिसिन है, लेकिन हम लोग फेल कर जाते हैं शुरू से लास्ट तक। इवन फॉलो अप में भी उनको ठीक से ध्यान से देखना होगा या सुनना होगा। ये ऐसे पेशेंट भी ऐसे ही है, एकदम स्टार्ट होते होते मेडिसिन बता दिया। ये उनके घर में गया पेशेंट को, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये 70 इयर्स का टॉल एक्स आर्मी मैन, उनका हील पेन हुआ है और बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। किसी ने उनको सजेस्ट किया मेरा नाम, तो उन्होंने बोले ठीक है लेके आओ उनको, क्या है इसमें। तो उन्होंने मेरे को फोन नहीं किया, पेशेंट उनके जो रेफरेंस दिए उन्होंने मेरे को बताया सर वहाँ जाना है। हाँ ठीक है, हम चला जाएंगे, उनको बता दो। मैं चला गया और दरवाज़ा ओपन किया, उन्होंने नहीं आया, उन्होंने मेट सन बेल तो उन्होंने ओपन किया। मैं दरवाजा से अंदर घुसते एक पा अंदर गया तो पेशेंट आ गया, आके मेरे को बोला कि वेलकम डॉक्टर, वेलकम, आ जाओ बैठो डॉक्टर, बैठ जाओ, बोलो क्या लेंगे, ठंडा या गरम, जो भी है बोलो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं लेंगे, थोड़ा चाय लेंगे एक कप। तो उनका मेड साहब का क्या, कॉफी या चाय? मैंने चाय लेगा कहा, बैठ जाओ डॉक्टर, बैठ गया। तो मैंने बोला कि बोलिए जी क्यों मेरे को बुलाया क्यों आपने, मेरा हील में इतना दर्द, मैं चल नहीं सकता, ये बताओ मेरे क्यों ऐसा हुआ मेरा। तो ये शुरू मैं ठीक से बैठा नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने इतना बात बोल दिए। पहले तो मेरा मन में चल रहा था ठीक है मैं सुन के मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन शुरू में जो ऐसा हुआ मेरा लगा जो समथिंग डिफरेंट पेशेंट है। तब मैंने शुरू किया रिकॉर्डिंग करने के, और करने के लिए तो दो एक मिनट तो कम से कम चाहिए उसको रेडी, कैमरा को रेडी करने के लिए। तो उतना समय उन्होंने नहीं दिया, ये समय तक वीडियो में नहीं है। तो मैंने रेडी किया और मैंने बोला जे कम से कम तो पहले तो बताइएगा आपका लाइफस्टाइल आप क्यों करता है, तब जाके ना मैं बताऊंगा क्या हुआ। तब जाकर उन्होंने बताना शुरू किया। हम लोग जानते हैं जी अनकॉमन पिकुलियर, ये एक वर्ड है होम्योपैथी में, तो ढूंढते हैं हम लोग अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम। पहले भी ढूंढते थे, आप भी ढूंढते हैं, लेकिन माइंड में तो ऐसा वर्ड नहीं होते, लेकिन मैं ढूंढता हूँ अनकॉमन पिकुलियर। मैं बोलता हूँ कि यही अनकॉमन पिकुलियर है, ये जो उन्होंने वेलकम किया ना मेरे को वही अनकॉमन, क्योंकि ऐसे वेलकम नहीं मिलता है हर समय, आपको नहीं मिलेगा, हंड्रेड्स में एक टो, 200 में एक टो मिल जाएगा। तो यही को आपको देखना है, यही से मेडिसिन मेरे को। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा दुनिया भर का रूब्रिक मेरे को याद है या मैं सब रूब्रिक जानता हूँ, नहीं, मैं उतना रूब्रिक मैं ही नहीं जानता हूँ। आप जैसे हैं मैं भी ऐसा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा जान सकता हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है आपसे। मैंने मेहनत किया 12 साल, बस इतना ही डिफरेंस है। आप भी करोगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो शुरू हुआ, उन्होंने बताना शुरू किया जे मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, मैं सर्वेंट है, मेरा 25 साल हो गया यहाँ,
मेरा वाइफ 25 साल पहले गुजर गया, तब से मैं अकेला ही हूँ। आप ऐसा थर्ड पर्सन है जो मेरा घर में आया है और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आश्चर्य में पर है, मैं सोचा अंदर में कैसा आदमी है, अकेला अकेला चला जाता है, पूरा लाइफ चला जाए अकेला, ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने फिर बोला जे आप बातचीत में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। डॉक्टर मैं कुछ नहीं खाता हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, ड्रिंक्स भी नहीं लेता हूँ मैं, माछ मछली मछली कुछ भी नहीं लेता हूँ मैं, प्योर वेज ड्रिंक्स में नहीं लेता हूँ। क्यों हुआ मेरे को ऐसा? अच्छा रुकिए मैं बताता हूँ ना मैं। अरे जी करते क्या है, सुबह उठे इतना समय वो तो पेंशन मिलता है और बस लाइफ गुजर जाता है। एक लड़का है बाहर कोई रहता है, यहाँ अकेला ही रहता है। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, कौ बजे सुबह को 4 बजे मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ मैं, 8-10 किलोमीटर में वॉकिंग करता हूँ। 10 किलोमीटर वॉकिंग इस उम्र में? हाँ करता हूँ, फौजी में किया, आर्मी में किया, अभी भी करता हूँ। अरे बाहर से फॉरेन से आदमी इतना इंडिया आते हैं लाखों रुपया खर्चा करने के लिए क्योंकि पैदल वॉकिंग करने के लिए, और मैं यहाँ रह के कर नहीं करूँ? हाँ ठीक है करिए करिए, इतना मत करिए, ये ज़्यादा हो गया। तो इतना दिन आप किया क्या, ये दर्द लेके मालिश उलिस कर रहा हूँ, तेल दवा डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया उतना मैंने सुना नहीं, याद भी नहीं है। तो उन्होंने बोला इंजेक्शन या ऑपरेशन, मैं तो नहीं करूँगा ऑपरेशन, इंजेक्शन भी नहीं लगाऊँगा, इसलिए ना आपको बुलाया है। अलग ठीक है ओके कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। तो कितना केस इतना सा था, लेकिन उसने उनका घर में गया है एक चाय लिए, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही बातचीत में जाते तो जाके फट तो, ये तो क्लिनिक नहीं है जब फट से कर दिया पेशेंट उठ के चला जाएगा, संभव नहीं है। 15-20 मिनट तो मैंने बैठा, 15-20 मिनट बातचीत किया, बातचीत में वही घुमा फिरा के वही है, क्योंकि वो बोल रहा है जो मैं एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूँ, गलत कुछ नहीं खाता हूँ, तो मेरे को क्यों ऐसा होगा, ये उनका क्वेश्चन था। उनका कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं इतना वॉकिंग करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे को क्यों बीमार होगा, यही उनका बोलना है। तो अंदर में मेरा मेडिसिन बन गया। तो मैंने बोला जी ठीक है, आज तो मैं मेडिसिन नहीं होगा, आप कल किसी को भेज दीजिए, मैं आपको मेडिसिन दे दूँगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। तो मैं चला आया, तो बोला नेक्स्ट दिन, मेरे याद नहीं है, ये कम से कम 6-7 साल पहले का वीडियो है, याद नहीं कि नेक्स्ट दिन कि उसी दिन गया था, उतना याद नहीं है। लेकिन इस कारण से उनको दोबारा मेरा मेडिसिन लेना नहीं पड़ा, ये मेरे को याद है। फॉलोअप इसको नहीं हुआ, फॉलोअप क्यों नहीं हुआ, वो तो नहीं गया नहीं, फ़ोन से बातचीत हुआ था 2-1 बार, बोला डॉक्टर तो ठीक हो गया था, लेकिन आपको तो फॉलोअप दिखाना है ना, नहीं तो कोई सोचेगा कि कैसे एक बार दवा और कैल्कनियम स्पार्क, शायद ऐसे ही होगा कुछ डायग्नोसिस, इनका दर्द कैसे एक बार मेडिसिन देने से ठीक होता है, इसलिए मैं फॉलोअप किया। क्या सेकेंड बार दूसरा कुछ बीमारी हुआ था इनको, और काप मसल में कुछ दर्द उर्द हुआ था, वो भी शायद 1-2 महीने के बाद, उसी समय मैंने उस फॉलोअप को उसी समय कर लिया। तो वो बड़ा लंबा था, उसी से थोड़ा कट करके मैं 20-25-30 एक मिनट का एक फॉलोअप आपको दे रहा हूँ। उन्होंने उस समय बोल रहा है कि हाँ वो तो ठीक हो गया था, ठीक हो गया बस और क्या, तो ये भी ठीक करो जल्दी, 2-3 दिन में ठीक करो, मैंने वो जो हुआ था नेक्स्ट टाइम वो भी ठीक करो 2-3 दिन में। तो नेक्स्ट टाइम मैंने किया, मेडिसिन दिया, याद नहीं है, मेरे वीडियो है लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट मैं कभी उस पर के दूंगा तो अभी एनालिसिस कीजिए, मैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में मैं एनालिसिस देता हूँ। तो बोल लो जी,
যে তুমি দেখে নাও, এটা হলো ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাথলজি গ্লাইকোসিলেটেড হিমোগ্লোবিন। খুব ছোট্ট ছোট্ট ট্যাবলেট আছে, একটা ট্যাবলেট মানে ডেলি, তো আমি একটাই ওইটাই ও খেয়েছি। পেইন তো নেই, এই এই জায়গাটা, ও এই জায়গাটা প্রেস করে তো আমার ভীষণ জোর, নাও তো এখানে প্রেস করা যাচ্ছে, পেইন নেই। কোন জায়গা লাগছে প্রেস করলে? এই ও করেছিল প্রথম দিনে, এখানে গিয়ে এইরকম গিয়ে দেখুন চিৎকার করে নাও তো কিছু নেই, আমি চলতেও পারছি। আর ও ও বলেছে হিলস, তারপরে মাসি নিয়ে এলো কোথায় থেকে, কুচবিহার থেকে, কি ওদের আছে কোন ক্লিনিক আছে না কি আছে ওখানে, এটাকে ঠিক করে দিন, বাস হয়ে গেল, আর কি চিন্তা, আমি দৌড়বো না। আর আর একটাই আমি তারপরে কষক খাবো, আমি 4-5 কিলোমিটার থেকে বেশি না, ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট হোয়াট ইজ ডিমান্ড। হ্যাঁ এটা তো অনেক আগে একবার কথা হয়েছিল, যখন হিল পেন হয়েছিল তখন আমি বলেছি, আপনি বলেছিলেন কেন হচ্ছে, আমি বলছি এটা বেশি আটছে না, ওটা ঠিক হয়ে গেল। হ্যাঁ ও সব ঠিক হয়ে গেল, ও প্লান্টাস আছে ফ্যান্সি নাম, ওটা হয়েছিল তো ওটা তো ঠিক হয়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাও ঠিক হয়ে যাবে, এটাও হয়ে যাবে, 3-4 দিনে করে দিন আপনার লাগছে। আচ্ছা ঠিক আছে, প্লান্টাস কি সেকেন্ড পার্ট মানে শুরু করতা হুম, মানে কে কে রুব্রিক লিয়া। ফার্স্ট জো রুব্রিক মানে লিয়া, ইয়ে তো আপকো কনফার্ম যে লাইট ডিজায়ার হ্যাঁ, কিউকি লাইট মানতা হিসো জাননা চাইয়ে যে কেউ এসা হুয়া শায়দ ও ডাক্তারকে বলা হোক, মানে উতনা ডিটেলস মে নেই গিয়া ও সব মে বাতো মে জরুরত নেই হ্যাঁ, আপকা সাথ পেশেন্ট কাজ যো বাতচিত হোগা উসি কা উপরই আপকো রুব্রিক বানাইয়ে আর উসি কা উপর ধ্যান দিজিয়ে, জিস জিস বাত তো নেই হুয়া তো ছোড় দিজিয়ে, কই এসা কই জরুরত নেই হ্যায় হর বাত লেকে আপকো ডিসকাস করনা হ্যায় ইয়া রুব্রিক বানানা হ্যায়, আপকে পাস পেশেন্ট আকে জো করেগা ওহি সে আপ ডিসকাস কিজিয়ে, উসকো উপর আপ মন মে অ্যানালিসিস কিজিয়ে, ড্রাগ নিকলা আ যায়েগা। লাইট ডিজার তো কনফার্ম, ইয়ে লাইট মানতা হ্যায়, কিউরিয়াস নেই হ্যায় লাইট হ্যায়, কিউ মেরে কো হুয়া, কিউ এসা বোল রহে, কিউকি আশ্চর্য হো গিয়া, কি আশ্চর্য হো গিয়া কি মে হ্যায় কুছ উল্টা পুল্টা কুছ নেই খাতা হুঁ, এক্সারসাইজ করতা হুঁ, আর মেরে কো এসা হো গিয়া, তো লাইট ডিজার মানে লিয়া। সেকেন্ড রুব্রিক ক্যা লিয়া মানে, সেকেন্ড রুব্রিক ওই রুব্রিক লিয়া জো মানে এন্টার কিয়া থা জব, উনে বোলা ওয়েলকাম ডাক্তার, কম আ যাইয়ে, আইয়ে আইয়ে, ওয়েলকাম ডাক্তার, বেঠিয়ে ক্যা লেঙ্গে, গরম ইয়া ঠান্ডা, দেখিয়ে লগেগা কি ডিক্টেটোরিয়াল, ইয়ে ডিক্টেটোরিয়াল নেই, অ্যাকচুয়ালি ইয়ে এক ওয়েলকাম থা, ওয়ার্ম ওয়েলকাম, ওয়ার্ম ওয়েলকাম মতলব কি আপকো ইতনা আচ্ছা ওয়েলকাম কর রে, যে আরে ডাক্তার আপনি আয়া হ্যায় মেরে ঘর, আ যাইয়ে, বড় বড়ি বাত আইয়ে, এসা এসা দিখানা হ্যায়, ইসকা সাথ অ্যাফেকটেশন জুড়া হুয়া হ্যায়। পহলে তো মানে ডর গয়া থা, আরে বাপ রে, মানে কই ছোটা মোটা এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আর ইতনা বড়া এক অফিসার, উনোনে মেরে এসে ওয়েলকাম কিয়া, থোড়া ঘবরা গিয়া, ফির মানে কো মেরে কো কন্ট্রোল করকে মানে অন্দর গিয়া থা, উসি সে এক রুব্রিক বানতা হ্যায়, ইয়ে রুব্রিক হো গিয়া ডেলিরিয়াম, কিউকি ইয়ে ওয়েলকাম নর্মাল নেই, ওয়েলকাম নেই হ্যায়, ইহি হ্যায় আনকমন পিকুলিয়ার, আপকো নর্মাল ওয়েলকাম কেসে হুয়া, আসুন ইয়েস আইয়ে আইয়ে ডাক্তার সাহেব আই বৈঠি, ইয়ে হো গিয়া নর্মাল ওয়েলকাম, এসে হতে জাদা সে জাদা 99.99% এসে হোগা আপকো বলেগা আইয়ে ডাক্তার সাহেব বৈঠি, লেকিন ইসনে জো কিয়া ও ওয়ার্ম ওয়েলকাম, ইয়ে ডেলিরিয়াম অ্যাড্রেস অবজেক্টস,
ये आपको एड्रेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं आऊंगा देखूंगा तब जाके दवा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मैं ही तो ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे को ये डिलीरियम तरह के डिलीरियम होके वो एड्रेस कर रहे हैं मेरे को। इसमें सिंगल मेडिसिन है, वो है स्ट्रैमोनिया। और तो रूब्रिक आपको सब पता चल गया क्या क्या हुआ। डिलीशन प्योर शी इज, खुद को प्योर बताना चाहते हैं। एफेक्टेशन तो मैंने बता दिया। डिलीशन अलोन, बीइंग अलोन, यो खुद अकेला रहता है, लेकिन अकेला तो है नहीं ना, मेड सर्वेंट तो है, लड़का तो है, कभी कभी आता है, लेकिन खुद अकेला समझते हैं। और एक रूब्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए ये 9 किलोमीटर ये वॉकिंग करते हैं, और ऐसे वैसे वॉकिंग नहीं, जोर से एकदम जोर लगा के सुबह उठ के 4 बजे वॉकिंग करते हैं, और बिना वॉकिंग के नहीं रह सकते। ये बैठे हुए है, दर्द हो रहा है, बोले मैं तो चल नहीं पाता हूँ, अवसर बात हुआ था। तो इसका मन में एक अंदर से एक घबरा नहीं, अंदर से एक इम्पास आ रहा था, अरे मैं कैसे चलूँ, कब चलूँ, कैसे चलूँ ये, और टकबक पकड़ पकड़ के चलूँ। रन्स अबाउट मैनिया टू, ये वॉकिंग नहीं है, ये दौड़ना, इसके वॉकिंग मतलब दौड़ना, इगोटिज्म भी है इसमें। रन्स अबाउट मैनिया इन, और एक रूब्रिक है, ये भी बहुत मजेदार रूब्रिक है, मैंने ये रूब्रिक बहुत सारे यूज किया। इनमें इस पेशेंट में भी मैंने यूज किया। डिल्यूशन हॉर्सेस राइडिंग ए हॉर्स, घोड़े को चलाना, खुद को घोड़ा समझता है ये, और टकबक टकबक पढ़ के चलो चलेंगे, सुबह उठ के मैं टकबक 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 करके चलेंगे, यही इनका अंदर में फीलिंग है, ये हॉर्स घोड़ा। और कैसे लगा आप बताइएगा, अच्छा तो लगा, जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि नया रूब्रिक, सेम मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन, थोड़ा हटके। स्टेमोनियम हम सब डर के माने डर का मेडिसिन यही समझते थे, लेकिन ये थोड़ा हटके, ये एफेक्टेशन विथ हॉर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।